हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम साइंस प्रोजेक्ट को आपको दिखाने वाले हैं। इस एग्जीबिशन में काफी मजा आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर एक से एक आपको प्रोजेक्ट देखने के लिए अभी मिलने वाला है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, अभी यहाँ पर इस बच्ची ने एक और होलोग्राम का प्रोजेक्ट बनाया है। जैसे कि इस प्रोजेक्ट में है कि होलोग्राम से एक वीडियो को जब देखते हैं 3D में दिखाई देता है। और यहाँ पर दूसरा एक वीडियो है, ये है यानी कि ब्रेकिंग रोलिंग सिस्टम इन्होंने किया गया है। जो ब्रेकर होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे किया जाता है, उस सिस्टम को यहाँ पर बनाया गया है। काफ़ी अच्छा और काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया गया है। तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं कि बड़े लेवल पर अगर इस तरह से किया जाए तो ये रोलिंग सिस्टम के थ्रू से यहाँ पर ब्रेक रोलिंग सिस्टम के थ्रू से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और फ्यूचर में हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी सेव हो सकता है। तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए स्ट्रीट लाइट में। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं एक से एक बच्चे ने प्रोजेक्ट बनाए 7 के और 8 के। यहाँ पर बच्चे ने एक और इलेक्ट्रिसिटी वाला ही प्रोजेक्ट बनाया है, यहाँ पर जनरेटर नाम दिया गया है। और यानी कि डीसी वोल्टेज को यानी एसी वोल्टेज में कैसे किसी भी डिवाइस को चला सकते हैं, तो यहाँ पर इससे इन्होंने जुगाड़ करके बनाया। यहाँ पर देख सकते हैं कूलर का यहाँ पर लगा हुआ है, कूलर का एक और है, यहाँ पर डीसी मोटर है और डीसी मोटर से चलाया जाता है डीसी बैटरी के द्वारा। और उससे साफ्ट जो है कूलर वाले पंप में जोड़ दिया गया है और उससे उन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया है। तो ये जनरेटर को इससे मतलब इस प्रोजेक्ट में इसका दिमाग जो है इससे से डेवलप हुआ है। कितना देख सकते हैं बच्चे के अंदर इतना कुछ हो रहा है, तो काफ़ी कुछ करने के लिए आगे फ्यूचर में इसका भविष्य बन सकता है। तो चलिए गाइज, और सभी अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसा प्रोजेक्ट है यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर बायो सिस्टम जैसे आप देख सकते हैं, यूरिन वाला जो सिस्टम है यहाँ पर बच्चे के द्वारा बनाया गया। यहाँ पर पावर प्लांट भी देखने के लिए मिल जा रहा है, यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है, बच्चे के द्वारा बनाया गया है। कैसे सिस्टमेटिक किया जाता है इस तरह से अरेंजमेंट, तो काफ़ी सारा अभी प्रोजेक्ट है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए गाइज, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। और गाइस यहाँ पर बच्ची ने सोलर सिस्टम को बनाया है और इस सोलर सिस्टम को देखकर काफ़ी खुश हुए हैं, क्योंकि इस सोलर सिस्टम को ऐसा बनाया गया है कि यहाँ पर देख सकते हो इसके चंद्रमा, पृथ्वी और सूरज और सारी चीज़ों को इन्होंने किस तरह से अरेंजमेंट किया है। और पृथ्वी जैसे घूम रही है यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया। गाइस यहाँ पर सरस एग्जीबिशन होने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्रोग्राम खत्म होने के बाद यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है और इस इंस्ट्रक्शन को बच्चे को द्वारा बोले कि पालन किया जाएगा, आपने क्या क्या गलतियाँ क्या क्या नहीं किए हैं और कितना सही हुआ, उन सभी को प्राइज़ भी दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल के बच्चे के द्वारा जो बनाया गया प्रोजेक्ट काफ़ी अट्रैक्शन लगा है और यहाँ पर उसको देखते हुए बच्चे के अंदर यहाँ पर एक जज्बा पैदा हुआ कि नेक्स्ट बार जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वो काफ़ी बड़े लेवल पे और वर्किंग मॉडल बनाने वाले हैं। तो गाइस इसी तरह से एग्जीबिशन बच्चे के अंदर होते रहना चाहिए, जिससे हमारा देश का भी है टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, इससे काफ़ी प्रभावित होगा बच्चे लोग और इनके प्रतिभा भी जागेंगे। गाइस अब यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे जो है काफ़ी मतलब यहाँ पर आए हुए हैं एग्जीबिशन में। और गाइस ऐसे ऐसे प्रतियोगिता होने से बच्चे के अंदर एक अलग माइंड सेटअप होता है और इससे काफ़ी कुछ हमें देखने के लिए मिलता है। अब जाते हैं, चलते चलते आप लोगों को बता देते हैं एक और प्रोजेक्ट जो कि बड़ा लाइन का है। यहाँ पर देख सकते हैं ये बड़े लेवल के प्रोजेक्ट है जो कि ट्रक के लिए किस तरह से बनाया जाता है,